जी इस कानून आने के बाद एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ये पैदा हो जाएगी कि कानूनी एतबार से उनके तलाक नहीं हुई, लेकिन औरत और मर्द दोनों मानेंगे कि तलाक हो गए। वो औरत यानी अनजाने में कैसे मर्द के साथ रहना चाहेगी, रहना पड़ेगा जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती। हर छोटे छोटे, मुझे इसमें ये भी लगता है कि हर छोटे छोटे मसले पे कानून जो बना रहे हैं कि कंप्लीट जो राइट्स है वो कानून ले रही है मुस्लिम्स का, तो क्या हर छोटे छोटे मसले पे ये कानून के लिए और एक शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक 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 कह के तलाक की मुद्दत जो है उसने दे दी, उस औरत ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ना वो कोर्ट गई ना वो पुलिस स्टेशन गई, और उसने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया और मैंने इसे मान लिया, मैं उस शरिया के उस बात को मानती हूँ जहां पर तीन बार में तलाक दे दिया गया तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, जायज है। तो इस कंडीशन में फिर क्या, इस कंडीशन में फिर तलाक हो गई, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो तलाक हो गई, औरत चली जाएगी। देखिए इसमें मैं एक पॉइंट ये देखता हूँ कि अगर तीन तलाक दी तो कम से कम उसको मेहर मिल जाएगा, और कानूनी एतबार से अगर वो उलझनों में पड़ गई तो शादी तो उसी दिन टूट गई जिस दिन उसका शौहर जेल गया, क्योंकि फौरन तो जेल नहीं होगी। आप ये देखिए 5-6-7 साल मुकदमा चलेगा, फिर वो 3 साल तक, 1-2 साल, लेकिन वो डिफरेंसेस तो अराइज हो गए ना, फैमिली के डिफरेंसेस तो अराइज, लेकिन मेंटेनेंस का क्लॉज भी है ना इसमें, मेंटेनेंस का क्लॉज भी है ना इसमें, लॉ क्लॉज होगी। ये बताइए जो आदमी जेल में है उसे कैसे दोबारा